गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हम आ चुके हैं कारगिल के अंदर एंड दिस इज टाइम कि अब हम सारा सामान वगैरह हमारा पैक करके निकले लिए की। और ये हमारा होटल है, दोनों बाइक्स रेडी, सामान से पैक कर लिया है और बस थोड़ी सी देर में यहाँ से पैक होकर जाने वाले हैं हम। बाकी सीन कुछ ऐसा है कि यार अभी है ना बढ़िया बदल हो रखे हैं और बदल के साथ साथ जो मौसम है वो भी बहुत बढ़िया है। सो यहाँ से ले है अराउंड 4 घंटे 4.5 घंटे, आई थिंक 250 या 280 किलोमीटर्स के अराउंड होगा और शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने का कुछ खास नहीं है, बस ले में रेस्ट ही करना है। एंड द लिटिल फ्रेंड्स आर हियर। एंड फाइनली कारगिल से लेह की ओर जाते हुए, दिस इज़ द व्यू ऑफ फ्रॉम कारगिल मार्केट। अभी हम लेह की ओर जो हाईवे जा रहा है वहाँ पे जा रहे हैं। आई थिंक अराउंड 1-2 किलोमीटर है ये सिटी का एरिया क्रॉस करना होता है। बाकी अच्छी सिटी है यार, ब्यूटीफुल है, सीधे सीधे लोग हैं, पॉकेट फ्रेंडली है। इतना मतलब ऐसा नहीं कर रखा कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो लूट मचा रखी हो, बहुत ही नॉर्मल रेट लगी हमें तो। और बंदे बड़े प्यारे हैं, हेल्पफुल हैं। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए नहीं है, और एक एक्सपीरियंस ही पूरा नज़रिया चेंज कर देता है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही प्यारा है। और बाकी ये भूरे पहाड़, नीला आसमान, उस पर हल्के हल्के बदल, अलग ही नज़ारा है। बाकी लद्दाख पुलिस प्लीज स्टॉप फॉर चेकिंग, यस फॉर श्योर। चलते हैं बाकी अपन। आई थिंक ये होगा कारगिल का मेन मार्केट, लग भी रहा है मार्केट जैसा कुछ। अभी हम शायद इतना लेट या इतना जल्दी तो नहीं है, बट आई थिंक मार्केट प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है। मिस्टर टैक्सी स्टैंड कारगिल, इंडियन आर्मी ऑलवेज इन सर्विस। आई थिंक ये बस स्टैंड होगा और आई थिंक ये रोड जा रहा है होटल में लेह की ओर, होटल ब्राउन रोड। बाकी यार गाड़ी में भराना है पेट्रोल, अभी पेट्रोल गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, रिजर्व लग चुका है। और चल रहे हैं, बाकी नज़ारे अलग ही सुंदर है यार। मतलब ये पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, उसके बीच में हरे हरे पेड़ हैं और जस्ट अमेजिंग है, मतलब क्या कहा जाए। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग इकबाल ब्रिज, नाइस। आई थिंक लेह का रास्ता इकबाल ब्रिज हो गया, नाम भी अच्छा है। बाकी पानी भी नदी जो है भाई अल्टीमेट फ्लो है, आई थिंक ऊपर से काफ़ी कुछ बारिश है या फिर ग्लेशियर काफ़ी जल्दी पिघल रहे हैं इसलिए। यस सो दिस इज द वे, अराउंड 200 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है हमें, जो कि लेह में जा रहा है, गाड़ी जा रही है आगे एल ए। ये नंबर भी लेह लद्दाख का ही है। बाकी नज़ारा यार अल्टीमेट जस्ट ब्यूटीफुल, जो पीक्स हैं वहाँ पे स्नो है, जो ग्राउंड है वो एकदम ब्राउन है, कुछ के ऊपर थोड़ी ग्रीनरी है, बाकी जो एकदम नियर रोड है एकदम पत्थर जैसा है, मतलब कुछ डिफरेंट ही है। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद थोड़ा ओपन हाईवे पे, चलो आपको वो दिखा देते हैं कि कितने किलोमीटर्स लेफ्ट है और ये रोड कहाँ कहाँ पे जा रहा है या फिर बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ने वाली है। इसके बाद फिर सीधे आपको ऑन द वे मिलते हैं। सो यहाँ लिखा रहा है ले 225, निम्मू 189, खालसे 130, मुलपैक 39। सो फाइनली यहाँ पे फ्यूल फिल करा रहे हैं एक बार, और नाम है कारगिल फिलिंग स्टेशन। मेरी गाड़ी टंकी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, मैं आगे आ चुका हूँ और पीछे रवि जो है वो फ्यूल भरा रहा है। भैया तो हमारे फ्यूल फिल कर रहे हैं, 101 रुपये 42 पैसे का रेट है यहाँ पे। ये भूरे भूरे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई, ऐसे पहाड़ राजस्थान में भी ऐसे हमारे मिट्टी वाले, बट ये अलग है, ये मिट्टी नहीं चट्टानी ऐसी हो रही है इनकी भाई, और क्या लग रहे हैं यार। और इनके बीच बीच में जो कुछ एरियाज हैं ना, जो जहाँ जहाँ ग्रीनरी हो रखी है भाई, इन्होंने पूरा रंगत चेंज कर रखा है, मतलब व्यू इन्हीं के यहीं से आ रहा है, थोड़े भूरे हैं थोड़े हैं ग्रीन, और भाई क्या नज़ारे हैं अल्टीमेट। बाकी जा रहे हैं आगे हरियाणा के भाई अच्छा रिक्कावन, हम 26 वाले। ये देखो ये कह रहा था मैं, बाउंड्री और ग्रीन मिक्स। बाकी रोड्स बड़ी प्यारी है,
लोग बड़े प्यारे हैं। लुक एट दोस ब्यूटी यार, मतलब बहुत ही पुराने हैं, मिट्टी के आई थिंक मकान ही बने गए, और केवल कारगिल में हो सकता है आई थिंक ऐसा। पीछे थोड़े आए थे, मैं शॉट ले नहीं पाया उन चीज़ों का, काफ़ी आधे टूटे हुए थे, बट थे बहुत ही अमेजिंग। जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये ग्रीन और ब्राउन मुझे मिक्स करना है भाई, कलर कॉम्बिनेशन। और ये हल्की हल्की धूप, बदल, बर्फ़ भरे पहाड़ सब मिल रहा है, सब क्या चाहिए इसके अलावा। और यार एक ट्रैवलर को और क्या चाहिए, केवल अपनी बाइक, ऐसी प्यारी रोड, सब कुछ पॉकेट फ्रेंडली, बजटेड ट्रिप। और हाँ, इस ट्रिप के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब हमने कितने दिन में कितने रुपए खर्च किए, कितना हमारा फ्यूल का एक्सपेंसिस आया। जो फ्यूल की रेट होगी बताऊँगा आपको, हिमालयन स्क्रैम 411 के हिसाब से, बिकॉज मैं बाइक को हैंडल कर रहा हूँ। 350 मिटर में कितना खर्चा आता है उसका अलग बताऊँगा मैं। बाकी आप कौन सी बाइक लाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज का आइडिया लग जाएगा। एक तो आई एम अज्यूमिंग कि ये अराउंड 25 से 30 के बीच की एवरेज देरी होगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी बाइक भी नहीं है अभी यार, 2000 किलोमीटर अब होंगे इसके। मैं ओनली फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट चेकअप 500 किलोमीटर वाला कराने के बाद ही बाइक यहाँ ले आया था। तो तब से हम चल ही रहे हैं और बाइक की टेस्टिंग होती जा रही है, बट बाइक और ये जगह दोनों की परफॉर्मेंस एक नंबर है यार। ये देखो क्या सूखे पहाड़ एक तरफ, ग्रीनरी एक तरफ, अल्टीमेट रोड, प्यारे प्यारे लोग, ऊंचे ऊंचे पहाड़, मस्त एकदम। मुबलिक रह गया 36 किलोमीटर यहाँ से, ऐसा रोड रहेगा 36 किलोमीटर तो 36 मिनट में हो जाएंगे, बट ऐसा करना नहीं है, गाड़ी चलानी है कंट्रोल। बिकॉज ऐसे रोड होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं, यहाँ पे वो लैंडस्लाइड वाला खतरा या फिर रोड पे पत्थर गिरना वो एक बहुत ही आम बात है, तो उनका भी ध्यान रखना है और चलना है पूरी सेफ्टी के साथ। अपनी साइड में टर्न लेना है, अपनी साइड पर चलना है। बाकी मिलते हैं जहाँ नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं वहाँ पे, तब तक गाड़ी वाड़ी फेंकते हैं। बेटा नहीं तो जगीरा आ जाएगा, लगता है इस गांव में जगीरा आ चुका है। चाय पीने ना घूमा को, हाँ मतलब ये होगा यहाँ यहाँ जो मिले खुला, ये भी है तो हाँ यार तो ठीक है, अगर कुछ मिलता है हाँ मिल जाएगा। और हम आ चुके हैं श्रीनगर। नहीं इंस्टा के हिसाब से आदमी आपको कब से पागल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो इस आदमी की बातों में मत आना। गाइस हम पहुंचने वाले हैं ले, जैसे कि आपको बैकग्राउंड देख के पता चल ही रहा है कि ये ले है। हिंदी आती है, आती है, अच्छा चलो बाय बाय बाय। हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? शिरत फातिमा। आप सब कौन सी क्लास में हो? ऐसे पूछिए, इसका सरनेम ही फातिमा है, दोनों बहनें हैं। ज्यादा बहन हो आप? नहीं, आप में से कोई एक दूसरे का बहन है? नहीं। हां सरनेम फातिमा फातिमा है ना, सही बात। पर मैं मेरे स्कूल को मर्ज, मेरी भी बचपन में यही वाली यूनिफॉर्म थी। जालो माने जाम जाचा में सेकंड क्लास है। नहीं उसने बोला फोर्थ। ये बहुत छोटे नहीं है मतलब, डेट ऑफ बर्थ सब सेकंड में हो? नहीं ये दोनों फर्स्ट में। आप ये 5 साल के हैं? 18 का है डेट ऑफ बर्थ। स्कूल खत्म हो गया? 25।
है यहाँ से होगा अराउंड कोई 150 किलोमीटर या फिर 140 किलोमीटर, बट अभी से वो फील आ चुका है कि यस वी आर इन लद्दाख। वैसे सही पहाड़ आने आ गए हैं, वैसे सही लोग, वैसे सही टेंपल, वैसे सही दुनिया का स्ट्रक्चर होता है घर बनने का, वैसा सब सेम चल रहा है, बट बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर। लुक एट दैट व्यू गाइस यार, 120 किलोमीटर ले सिटी बची है। मैं रुका हूँ यहाँ पे नज़ारे दिखाने आपको, और मेरे जो को पार्टनर है थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, और ऐसा कोई कनेक्टिविटी है नहीं कि हम बात कर रहे हैं आपस में, तो मैंने देखा उनका शॉट भी हो जाएगा और मैं उनका थोड़ा वेट भी कर लेता हूँ। बाकी बदल हो रहे हैं, हवा बहुत ठंडी है, मतलब हवा जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हवा ठंडी होती जा रही है। रेस्ट देखते हैं एक बार कितनी देर में आते हैं, कितना पीछे रह गए हैं वो, थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं आई थिंक, बातें बातें कर रहे होगा, बट है बड़ा ब्यूटीफुल ये देखो। बाकी अब मैं दिखाता हूँ आपको वैली पूरी कंप्लीट, बहुत अच्छी वैली है। लुक ये जो बन रहे हैं मिट्टी के, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नदी आई थिंक किसी बारिश वाले टाइम पे है, कभी इतनी चौड़ी हो जाती होगी। बाकी रेस्ट जस्ट अमेजिंग, अभी नदी बहुत छोटी चल रही है बीच में। फॉटुला टॉप क्रॉस करने के बाद ओनली माउंटेन्स माउंटेन्स माउंटेन्स, और वहाँ आगे स्नो कैप माउंटेन्स भी है, मतलब अच्छी खासी स्नो है उनके ऊपर। कुछ है बाकी एक कितना टाइम लगा ना, मतलब कुछ पे धूप पड़ रही है, कुछ पे छाया है। अब देखिए जस्ट सामने एक टॉप पर है माउंटेन से, सर्दी है यहाँ पे, ठंड है, दिन के बजे हैं 3:30, बट हाँ सर्दी अच्छी लगती है। सो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेक, क्योंकि आज का स्टॉप इससे लेह में ही है। अच्छा जी, पहाड़ मैटर नहीं करते यार, जगह प्लेस वेदर हर चीज़ मैटर करती है। यही पहाड़ राजस्थान में भी हैं, ऐसे ही पहाड़ भी हैं कुछ पहाड़ वो बहुत ही बेकार लगते हैं, बट यहाँ के जो पहाड़ हैं उसका मेन रीज़न है वेदर, इतना ठंडा है यहाँ पे मौसम। और जब इन पहाड़ों बर्फ़ गिरती होगी तो कितने वक्त सकती होंगे, बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत बेस में जा रहे हैं, आई थिंक पूरी वैली क्रॉस करनी है ऐसे ही। ये है निम्मू विलेज, ले यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर और दूर है, बट यार बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, मतलब एकदम ग्रीन है, पूरा मिलिट्री बेस एरिया है, हर जगह मिलिट्री कैंप है, पूरे मिलिट्री की राउंड है, मिलिट्री के बंदे हैं वो घूम रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, बट नज़ारे देखो यार एकदम ब्राउन पहाड़ों के ऊपर ये ग्रीनरी, मतलब इतना ग्रीन है वहाँ पे, और ऊपर एकदम बंजर कि मतलब एक घास भी नहीं है, एक पौधा भी नहीं है, बट ठीक है। लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही प्यारा है नज़ारा। कंप्लीटली मिलिट्री कवर,
एरिया में पूरी मिलिट्री मिलिट्री है, ले यहाँ 37 किलोमीटर शो कर रहे हैं, और जो मैं गूगल मैप से वहाँ पे 35 पर आऊँ, ठीक है, गूगल सही है। बाकी यार आप देखो एरिया मतलब फुल कवर, हेड हंटर्स, हेड हंटर्स अमेजिंग, सब मिलिट्री कैंप है सारे, और जहाँ हमारा देश है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। मैग्नेटिक हिल लेह बचा है 29 किलोमीटर, बहुत तेज हवा है यार, आई एम श्योर आपको वीडियो में हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, बट हवा बहुत तेज है, बट जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो दिस इज वी कॉल्ड इट पत्थर साहिब गुरुद्वारा, क्या स्टोरी है पीछे ये तो मुझे क्लियर नहीं है, बट इट्स लुक अमेजिंग। लेह 25 किलोमीटर है यहाँ से, और ब्यूटीफुल गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, लुक एट दैट व्यू यार, ये क्लाउड्स और आगे जो माउंटेन की पीक्स है, आधी पे छाया आधी पे धूप आधी पे स्नो आधे प्लेन, भाई क्या लग रहे हैं। लेह सिटी है, वहाँ पे हम अराउंड 20 किलोमीटर पार हैं, और भाई यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, उस तरफ भी स्नो पैक्ड है, पूरे बंजर है, मतलब एक ही जगह पे एक तरफ देखो तो मतलब रंग बिरंगे पहाड़ हैं, एक तरफ पूरे बेजान बंजर पहाड़ हैं, यही तो है खूबसूरती लद्दाख की, वरना क्यों आते हैं लोग यहाँ पे, ये रोड ये रास्ते ये नज़ारे कैच करने अपनी आँखों में, और आई एम श्योर जो भी यंगस्टर है जो भी मतलब जज्बा वाले लोग होते हैं कि यार करना है, मतलब करने की कोई उम्र नहीं होती ये बात भी ठीक है, बट यंगस्टर ऑलमोस्ट ज़्यादा आते हैं जो कि बाइक राइडिंग शौकीन है, जो कि कम्फर्ट से ज़्यादा हटकर एडवेंचर को फॉलो करते हैं, वो लोग अपनी बाइक से या फिर रेंटेड बाइक लेके जैसा सुटेबल होता है एक बार लाइफ में लद्दाख का ट्रिप जरूर मारते हैं। श्योर जो भी ये वीडियो दे आप ब्लॉग देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं रिलेट जरूर कर रहे होंगे कि भाई बंदे जो जाना चाह रहे हैं, जो जा चुके हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, भाई अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप है एकदम। थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा थकोगे, देर लेके चलो एक्स्ट्रा 12 डेज में कम्प्लीट होना चाहिए ट्रिप, 15 डेज लेके चलो, ताकि अगर कहीं पर आपको उठना ही पड़ता है या कुछ और भी होता है तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, कोई लंबा स्ट्रेस नहीं करना होगा आपको, प्लस कोई ओवरलोड थकान नहीं हुई कि यार कवर करना है, बाकी सफारे देखो यार ब्यूटीफुल अमेजिंग, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरी ये कैमरा से जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा होगा इन चीज़ों का कितना सुंदर लग रहा है ये, बट मेरी आँखें जो देख रही है ना भाई, कहते हैं ना वो आँखों में जो कैद है वो मंजर अलग है, सही फील है, जो आँखों का मंजर है वो बहुत ही अलग है। वेलकम टू ले, बहुत ही प्यारा मौसम, शाम के बज रहे हैं 7:45, 6:45 एग्जैक्ट, और नज़ारे देखो यार, पीछे धूप है आगे बदल, बर्फ़ वाले पहाड़, और भाई रॉकेट चल रहे हैं यहाँ पे, ये ले का आउटर मिलिट्री कैंप है, कभी भैया लद्दाख का क्रेज ही अलग है, मतलब और राइडर्स और जो भी होते हैं कभी वो ना जाने कहाँ कहाँ से, लाइक मैं राजस्थान से आया हूँ, बाकी भाई चेन्नई साउथ केरला इन सब के अलावा महाराष्ट्र जो मैंने राइडर्स देखे हैं, कर्नाटका अमेजिंग, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं जो लद्दाख घूमने आए हुए हैं लाइक विद फैमिली, मे बी हनीमून का आए हुए हों या फिर अपने गर्लफ्रेंड से अपने जो फैमिली वाले हों, तो उन्हें आई थिंक यहाँ पे रेंटेड बाइक लेके वो अपना मैग्नेटिक हिल और जो भी आसपास की एरिया कवर कर सकते हैं वो कवर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको थकना नहीं है और टाइम की इश्यूज है तो आप आराम से कवर कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे आइए डायरेक्ट बाय फ्लाइट बाय रोड टैक्सी पर्सनल कार बाइक जैसा सूटेबल लगता है आपको अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हैं। ये आ चुका है लद्दाख का हॉल ऑफ फेम, यार यहाँ पे है ना, जब मैं 2019 में आया था तो मेरी एक फ़ोटो है, बट मुझे वो दिखना नहीं है, माइल स्टोन लगा होता है कि भाई लद्दाख 6 किलोमीटर, वो चीज़ दिखी नहीं है मेरे को, पार्क नहीं कर रहे बैठे हुए गाड़ी पे, मैं ही कह रहा हूँ यहाँ पहले है ना यार रोड चेंज कर दी, पहले यहाँ पे है ना
ये सामने जो है ना मिलिट्री एरिया, ये नहीं हुआ करता हुआ घूमा। तो एक काम करूँ, एक मिनट रुक जा, होटल देख कौन सी रेटिंग का तो सही लगता है, होम स्टे का कुछ भी ये ले, इसको मिनिमाइज कर देना जैसा डाइट अभी हो। फाइनली लेह आ चुके हैं, लेह मार्केट भी क्रॉस कर लिया है और ये भी मार्केट का एक पार्ट है। अभी जा रहे हैं यार पहले स्टे देखने के लिए ताकि स्टे देख सकें और देन कुछ फ्रेश फ्रेश होके देन फिर लेह मार्केट घूम सकें आपकी साइड में। बाकी ब्यूटीफुल है, अच्छा वेदर है और लेह तो लेह है ही यार, जस्ट अमेजिंग। तब तक आप एंजॉय करो रोड्स लेह की और मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर जैसे स्टॉप करते हैं या फिर जहाँ भी बात करते हैं अकॉर्डिंगली। काफ़ी लोग आए हुए हैं, इवन फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। नज़ारा शाम का लद्दाख से लेह सिटी और स्टिल सर्चिंग फॉर एनी गुड होटल या होम स्टे जो भी बजटेड या अच्छा हो। सो गाइस दिस इज़ द व्यू फ्रॉम लेह, ये हमारा होटल है, सामने बैठे हैं रवि जी और लेह पहुँच चुके हैं हम सारे। इधर है हमारी भूमा जिनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है थोड़ी सी, रात में वॉमिट वगैरह हुआ था, शायद चिकन ज़्यादा खाया हुआ है इसने, बीमारी कर भी रही थी है। और ये देखो कुछ अपलोडिंग चल रही है, मतलब होता है ना कि लोगों को इंटरनेट मिलते ही सब भूल जाते हैं, सब बस बैठे हैं और कर रहे हैं अपने अपलोड्स डाउनलोड जो भी होता है। बाकी कुछ इस तरह के हाल है और यहाँ से जाएंगे पेंगोंग की ओर। कब जाएंगे, आज शाम या फिर कल सुबह, वैसे आज शायद लेह में ही घूमेंगे और आराम करेंगे। बाकी दिखाएंगे आपको लेह सिटी जब निकलेंगे शाम की और नहा धो के, अभी तो यार हालत सही नहीं है, 12 बजे में। बाकी देखो मग्न एकदम खोया हुआ लड़का और नज़ारे भी जैसे हैं बाहर से।